नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बच्चियों की आड़ में किसने की दूसरे समुदाय को फंसाने की साजिश। यूपी जिला बरेली में इज्जत नगर में रविवार दोपहर 3 बच्चियों के अपहरण की कोशिश की अफवाह फैल गई। बच्चियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ, इसमें वो बाइक सवार पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आईं। हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए। आरोपी दूसरे समुदाय के हैं, ये बात कहते हुए पुलिस बुला ली। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और जांच पड़ताल की तो पूरा मामला फर्जी निकला। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि बच्चियों के अपहरण की अफवाह किसने और क्यों उड़ाई, बच्चियों का वीडियो वायरल किसने किया, दूसरे समुदाय पर अपहरण का आरोप लगाकर कौन माहौल को खराब करना चाहता था। जानकारी के मुताबिक इज्जत नगर के गांव कुमरा निवासी 3 बच्चियां रविवार को घर से आशाराम आश्रम जाने के लिए निकली थी। बच्चियों ने एक बाइक सवार से आश्रम तक जाने के लिए मदद मांगी थी। आश्रम वाले मोड़ पर पहुंचकर बच्चियां बाइक से कूद गईं। इस दौरान बच्चियों को अगवा करने की अफवाह फैल गई। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने दूसरे समुदाय की हरकत बताकर पुलिस को सूचना दे दी। इज्जत नगर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करी। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामला जांच में फर्जी निकला है। आश्रम के पास लगे कैमरों में कोई भी आता जाता हुआ नहीं दिखा। बच्चियों ने पूछताछ में साफ मना कर दिया कि किसी तरीके की कोई बात नहीं थी। बच्चियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि एक अंकल ने उनसे यह सब कहलवाया था। वो अंकल कौन था इस बारे में सवाल किया तो इंस्पेक्टर ने बताया कि वहां पर कई लोग मौजूद थे। सिपाही को धमकाया, वर्दी उतार दो मिनट में भूत बना दूंगा। शनिवार रात फरीदपुर टोल प्लाजा पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर होने की जानकारी मिली तो पीआरवी 171 के पुलिसकर्मी सुरेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, ड्राइवर यशवीर मौके पर पहुंचे। पीआरवी पुलिस ट्रक और बस के चालक को थाने ले जाने लगी तो दोनों ने कार्रवाई करने से मना कर दिया और आपस में समझौता कर लिया। इसी दौरान टोल प्लाजा पर खड़े कुछ युवकों ने सिपाही से अभद्रता शुरू कर दी। धमकाने लगे कि वर्दी उतार दो, अभी 2 मिनट में भूत बना दूंगा। युवक की धमकी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। काफी देर तक मौके पर हंगामा होता रहा, फिर आरोपी युवक फरार हो गए। मामले में पीआरवी के सिपाही सुरेंद्र यादव ने फतेहगंज पूर्वी के विनोद राठौर, फरीदपुर के मोहल्ला बक्सरियों के सत्यम गौड़, विकास सिंह समेत अन्य 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। डीएमओ एसएसपी ने सिपाही भर्ती परीक्षा का लिया जायजा। सिपाही भर्ती परीक्षा का रविवार को तीसरा दिन था। डीएम रविंद्र कुमार ने एसएसपी अनुराग आर के साथ मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज और श्री गुरु नानक रिक्की सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करा। इसके बाद पुराना रोडवेज बस स्टैंड, सेटेलाइट बस स्टैंड और रेलवे जंक्शन पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दुल्हन की तरह सजे मंदिर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गया है। मंदिर में रविवार से 34वां वार्षिक उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री राधाष्टमी महोत्सव शुरू हो गया है, जो 11 सितंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर श्री बांके बिहारी जी की सुंदर व मनोहर झांकियां सजाई जाएंगी। रात में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। वहीं रविवार को जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्रों, मुकुट, झूलों व अन्य सामान की खरीदारी करते हुए नजर आए। बाजार में मथुरा और सूरत से जन्माष्टमी के लिए भगवान की बेहद सुंदर पोशाकें मंगाई गई हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौटे युवक की संदिग्ध मौत। फतेहगंज पूर्वी के सैदपुर मंजा निवासी अजय पाल का बड़ा बेटा योगेश यादव 1 साल से फरीदपुर कस्बे में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। वह शनिवार को रामपुर से सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौटा था। मां मीना से फोन पर पेपर ठीक होने की बात कही। रविवार सुबह योगेश की कमरे में लाश लटकी मिली। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारा नाम अजय पाल सिंह यादव है। कहाँ रहते हैं? हम सैदपुर मंजा रहते हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना फतेहगंज पूर्वी। कौन थे आपके? ये हमारा बेटा था, इसका नाम योगेश कुमार यादव था। घटना ये, 1 साल से फरीदपुर में कमरा लेकर किराए पर पुलिस की तैयारी कर रहा था। एक पेपर उसका लीक हो गया, उसकी बाद में दूसरे पेपर की घर पे नहीं गया, वहीं तैयारी कर रहा था। तैयारी करके 24 तारीख को पेपर था, वो रामपुर पेपर देने गया। पेपर देने आने के बाद में, पेपर छूटने के बाद में बरेली जब आया तो उसकी मम्मी से बात हुई। मम्मी ने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, तो कि मम्मी पेपर बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में जब शाम को हम आए, उसकी मम्मी से हमने बात की, हमने कि बेटा से बात करी, कि बेटा से बात करी, बेटा कह रहे थे पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो हमने कहे हारे थके भी आए हैं कि कमरा पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे। हमने हारे थके आए हैं, अब लल्ला से बात मत करिए, सुबह बात करेंगे। सुबह जब हमें सूचना मिली कि वो फंदे पर लटके, जब हम गए तो हमने हमने बेटे को 1 साल हो गया। किसी से फोन पर बात बात हुई हो या पेपर खराब की बात कही हो? ऐसा नहीं, पेपर खराब की कोई बात नहीं बे। उसका मौसेरा भाई वो ऐसा ही है, वो खड़ा है इस बेरा कहाँ है
बदायूं में तैनात है, उससे उसने भी कल परिचय लिया तो उससे भी कहा कि हाँ पेपर अच्छा हुआ है, और जिसने भी कहा बुझा उससे कहा कि पेपर सही हुआ है। फिलहाल वजह का पता नहीं लगा हमारे बेटे के दाँत में क्या। कितना बड़ा बेटा था आपका? बेटा हमारा 24 साल का। कहाँ तक पढ़ाई कर रखी थी इन्होंने? इंटर तक पढ़ाई। आप क्या करते हैं? हम काश्तकारी करते हैं। इनके सबसे बड़े बेटे थे ये? हमारे सबसे बड़े बेटे थे, बेटी एक इनसे बड़ी है, बेटों में सबसे बड़े थे। काम भी करते थे कुछ? कोई काम नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमने बेटा पढ़ो लिखो तो हमारे काम करने की अजबी नहीं है, और अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। आगे जो कागज जिम्मेदारी एकदम दे देते, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई टेंशन उनके ऊपर थी कि हमारे माँ बाप ने पैसा लगाया है और इस वजह से हमारा अगर पेपर कुछ ख़राब होता तो उसकी भी कोई टेंशन उनको थी नहीं। माँ बाप ने कभी कुछ कहा ही नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, भाइयों ने कभी कुछ नहीं कहा। प्रेम का तो कोई ऐसा मामला नहीं था? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसा मामला कभी नहीं। समझदार बच्चा था, अपने भाइयों को समझाता था, इनको सबको कि सबसे बड़े हमारी जिम्मेदारी है बेटा जो है वो सही सलामत चलो, हम बाहर रहते हैं और मम्मी पापा का ध्यान रखना। हादसे में युवक की मौत, मौसेरा भाई घायल। संभल के गांव सिंहपुर में रहने वाले सोनू सिंह मौसेरे भाई रवि कुमार निवासी दिल्ली के साथ बाइक से मनोना धाम दर्शन करने आए थे। लौटते वक्त कुसुमूरा गांव के पास गड्ढे में पहिया जाने से एक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में जा पलटी। इस हादसे में रवि की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।